ये मेघालय स्टेट म्यूजियम है जो शिलोंग में है। हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये उनके ट्रेडिशनल जो है पुराने सामान, पत्थर, ये बेम्बू का, यहाँ के लोग कैसे व्यापार करते थे या करते हैं उन सब का, और पुराने कुछ तस्वीर भी है। तो यहाँ के महिलाएं पुरुष जो भी हो व्यापार करते थे। मूर्तियाँ बहुत अच्छा बनाई हैं। बहुत ही सुंदर है बिल्डिंग। पर जाएंगे, चलो। ये बहुत सुंदर है। विलेज लाइफ कैसा होता है मेघालय का वो सब है। और ये फोक डांस, ये सब मिट्टी के बर्तन है। और कलर्स वगैरह पहले जमाने में एक यहाँ के लोग इसे खाने की तलाश में कुछ लेते हैं। फोक डांस, धान चावल को कैसे करके खाया जाता था। ये एग्रीकल्चर का है, खेती करते हैं यहाँ के लोग और बहन सहन। धीरे धीरे कैसे मॉडर्न बने ये सब भी यहाँ। गांव का परिवेश यहाँ कैसा होता था पहले, अभी भी है ऐसा तो दिखाया गया है इस म्यूजियम में, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ये कुछ जयंतिया लोगों का त्यौहार है। ये सब यहाँ के जयंतिया लोगों के ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो पुराने समय से लोग अपने हाथों से बनाकर तैयार हैं। ये सब यहाँ के बहुत ही महंगे कपड़े हैं, ट्राइबल लोग खुद बनाते हैं और जो अपने त्योहारें हैं उन सब में पहनते हैं। ये यहाँ के भॉय कपल जो अपने गजो ड्रेस से ये गारो कपल के ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये पुरुष के ड्रेस है, ये महिला की। और ये जयंतिया कपल के ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। और ये खासी कपल जो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तीन चार गणगोष्ठी है जो खासी, जयंतिया और गारो नाम से फेमस है। उनका तो अलग अलग जो चीज़ें हैं, ड्रेस है, वो सब यहाँ दिखाया गया है। ये उनके अलंकार हैं महिलाओं के, खासकर महिलाओं के अलंकार। ये यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले हाथियों को दर्शाया गया है मूर्तियों के जरिए। धान को कैसे अपने खाने लायक बनाते थे वो। अपने हाथों से कैसे कपड़ा बनाते हैं और जो कपास है उससे सूत कैसे बनाते हैं वो सब दिखाया गया है इस म्यूजियम में। ये गारो लोगों के जो गांव का घर है और रहन सहन का ये दिखाया गया है।
हम जब यहाँ आ रहे थे तब भी ऐसे बहुत सारे घर रास्ते के बगल में दिखाई दे रहा था, हालांकि अभी कम हो रहा है ऐसे घर क्योंकि सब लोग तरक्की धान खेती को दिखाए गए हैं और पेड़ों के ऊपर घर बनाते हैं ऐसे भी दिखाया गया। ये यहाँ के पुराने जो हथियार है और उन सब के सेफ गार्ड अलग अलग नामों से यहाँ पर रखा गया है, ये बहुत ही पुराना है हथियार, इन सब युद्ध में हालांकि सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स है इस प्रकार के ही हथियार प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए हो या युद्ध लड़ने के लिए। ये सब जो है सामान रखने के लिए यूज कर रहे हैं और ये मछली पकड़ने के लिए ये हमारे आसाम में भी मिलता है सेपा बोलते हैं, ये सब बेम्बो का है, बेम्बो से बनाते हैं। Thank you.